भगवान के प्रेम करके दर्शन कर लेते हैं। और शास्त्रों में लिखा है ना, गुरु के यहाँ, भगवान के यहाँ, मित्र के यहाँ, बेटी के यहाँ और छोटी बहन के यहाँ, खाली यहाँ तो नहीं जाना चाहिए, कुछ भी लेकर जाओ, जो हो वो लेकर जाओ, पर खाली यहाँ तो नहीं जाना चाहिए। बोले क्या लेकर जाए दीदी, हमारे पास तो खाने को एक मिनट भी नहीं है। सुशीला बोली उसकी व्यवस्था मैं करूंगी। सुशीला जी क्या की, तीन चार घरों में गई, तीन चार प्रकार के चावल, तीन चार प्रकार के कपड़ों को सिली। कैसे चावल है? खड़े चावल है, पीले चावल है, कंकड़ वाले चावल है। सुशीला जी बताना चाहती है कृष्ण गोविंद कन्हैया द्वारकाधीश, मेरे घर में खाने को चावल भी नहीं है, पहनने को वस्त्र भी नहीं है, मेरे पति तो भोले भंडारी है, सीधे साधे हैं। आप पूछोगे सुदामा जी महाराज कैसे हो, तो कह देंगे मैं सबसे सुखी व्यक्ति हूँ, मेरा संदेश मेरे इस चावल में। सुशीला जी ने क्या किया, पोटली बना दी, तैयारी कर ली। तो बोली जाइए स्वामी, और सुदामा जी महाराज चल दिए। सुदामा जी महाराज क्या लिखा था गद्य में, गरीब है। क्या गरीब? गरीब कोई भी हो सकता है, जो आज अमीर है कल गरीब ही रहे होंगे, जो गरीब रहा होगा वही तो अमीर बनेगा, जो अमीर थे वो गरीब हो गए, जो गरीब थे वो अमीर हो गए। समय तो गरीब होना बुरी बात नहीं, दुनिया का पहले प्रत्येक व्यक्ति पहले गरीब ही रहा होगा, धीरे धीरे मेहनत किए, पूर्वजों ने तो मेहनत करके पैसे वाले बने, गरीब होना बुरी बात नहीं है, दरिद्र होना बुरी बात है, दरिद्र बने जो संतुष्ट न हो, जिसको संतोष न हो वही दरिद्र है। 1 करोड़ व्यक्ति भी दरिद्र हो सकता है, दरिद्र मत बनिए, गरीब बनना कोई बुरी बात नहीं, जो गरीब है वो अमीर एक दिन पक्की बात है होगा, जो गरीब है वो अमीर होगा ही होगा, जैसे दिन के बाद रात्रि और रात्रि के बाद दिन होता है, ऐसे ही गरीब जो अमीर होगा ही। सुदामा जी महाराज निकल गए, जाने लगे, क्या किए, पोटली ले ली और धीरे धीरे जा रहे, क्यों, एकदम दुबला पतला शरीर है, कन्हैया का नाम ले रहे हैं, पैरों में चप्पल भी नहीं है, एक लाठी रखे है, पोटली रखे है, और कृष्ण 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 कह रे मन मेरे, जन्म कोटि पाप जाए पल में कट तेरे, भगवान का नाम जपते जपते रह रहे, प्रभु का नाम ले रहे, ठाकुर जी का नाम ले रहे, पर भगवान से एक बार भी नहीं बोले, भगवान मेरी ये दशा, मेरी ये दुर्दशा, मेरी ये गरीबी, मेरी ये विपत्ति आप हटा दो। क्यों नहीं बोले? क्योंकि सुदामा जी ज्ञानी व्यक्ति है, वो जानते हैं मेरे कई जन्मों का ये प्रारब्ध है, मेरे पूर्व जन्मों का प्रारब्ध है, उसे मैं भोग रहा हूं। रामकृष्ण परमहंस जो भी विवेकानंद के गुरु, कलकत्ता में कालीघाट में उनका आश्रम है, उनको कैंसर हो गया, कैंसर, और वो काली माता से रोज बात करते, इतने बड़े भक्त हुए काली माँ के, कलयुग में ऐसे भक्त हुए, काली माँ से बात करते थे रोज, डॉक्टर आ गए अमेरिका वगैरह से, बोले महाराज आपका कैंसर ठीक कर देते हैं, तो क्या बोले जानते हैं, बोले मेरे माने मेरी माने मेरी काली माता ने जब ये कष्ट दिया है वही ठीक करके, दवाई नहीं करवाई। बोले क्यों महाराजा, ठीक हो जाएंगे? बोले इसलिए नहीं हो रहा ठीक, यदि इस जन्म में ठीक हो जाऊंगा तो अगले जन्म में फिर कैंसर होगा, इसलिए इस बार कैंसर को ही मार के मर जाऊंगा पर दवाई नहीं कर पाऊंगा, यदि इस बार आप ठीक कर दोगे अगला जन्म फिर होगा, फिर कैंसर होगा, फिर बीमारी होगी, इसलिए इस जन्म में पूरा हिसाब किताब पूरा अकाउंट ये करके जाऊंगा, और कहते दवाई नहीं कर पाएगा ना। एक बार भी काली माँ से बोले कि माँ मुझे ठीक कर दो, क्योंकि भक्तों की ये पहचान है अपने भगवान से, अपने प्रभु से, अपने प्रेमी से कुछ नहीं मांगते। सुदामा जी महाराज जा रहे हैं ठाकुर जी से मिलने, और कहते यात्रा करते करते 4-5 बजे हो गए, चलते जा रहे चलते जा रहे चलते जा रहे, भगवान का नाम लेते लेते चलते जा रहे, रास्ते के आधे घंटे
भगवान ने बहुत सुंदर भजन किए, रास्ते में थक गए ना तो बैठ गया प्रभु का, मुरली वाले का, गोविंद का, कन्हैया का भजन किए, बहुत सुंदर भजन किए, भगवान का नाम लिए, प्रभु का नाम लेते जाते। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, प्रभु का नाम लेते लेते जा रहे हैं। अब जैसे कुछ आगे पहुंचे, यात्रा चार पांच महीने की हो गई पैदल, जैसे कुछ आगे पहुंचे होंगे तो नदी आ गई, और नदी आने के बाद क्या हुआ, अब पैसे हैं, पैसे हो तो नदी वाला, नाव वाला, नाविक केवल उनको पार कराए, तो दिन भर बैठे रहेंगे नाव के पास, बाहर बैठे रह गए। जय जय श्री राम, तो क्या हुआ, नदी के किनारे बैठे रहे, कृष्ण कृष्ण जपते रहे, भगवान को दया आ गई, भगवान स्वयं क्या बनकर आए, केवट बनकर आए, नाविक बनकर के आ गए, केवट का रूप बनाए, बोले कोई चले गो, कोई चले गो, कोई चले गो, सुदामा जी बोले भैया चलेंगे तो, पर हमारे पास पैसे नहीं है, रुपए नहीं है, और बिना पैसे के संसार वाले दुनिया वाले हमारा काम करने वाले नहीं है, बिना किराए का कोई ले जाएगा, सुदामा जी बोले भैया पैसे नहीं है, तो भगवान के रूप में आया हुआ केवट बोला, भगवान के रूप में भगवान स्वयं केवट रूप में आए, अरे पंडित जी आप जैसे को हम ऐसे ही पार लगा देते हैं, भगवान कहते कुछ भी ना हो, पैसे ना हो, रुपए ना हो, संपत्ति ना हो, तो मेरे यहाँ ऐसे ही आ जाना, ऐसे ही पार लगा दूंगा, पर कुछ हो जो नहीं करना, नाव में बैठ गए, और नाव में बैठने के बाद भगवान मुस्कुराकर बोले भैया कहाँ जा रहे पंडित जी, पंडित जी आपके बड़े दिव्य ब्राह्मण लग रहे, कहाँ जा कर रहे हैं, सुदामा जी बोले द्वारिका अधीश से मिलने जा रहे हैं, क्यों कुछ लेने जा रहे हैं, अरे ना ना ना, मेरे बचपन का सखा है, हम लोग साथ में पढ़े हैं, साथ में खेले हैं, गुरुकुल में एक साथ आए हैं, मेरा मित्र है, तो भगवान हंसे बोले पंडित जी इतनी मत फेंकिए, कहाँ हो कृष्ण, द्वारिका अधीश जिनके यहाँ चप्पल भी सोने की, और कहाँ आप, आपके पास पहनने को वस्तु भी नहीं, आपकी और उनकी तुलना कैसे हो सकती है, सुदामा जी कहते मेरा भगवान, मेरा मित्र, मेरा द्वारिकाधीश ना तो धन देखते, ना तो जाति देखते, ना तो रूप देखते, ना तो रंग देखते, ना तो ये देखते कैसा मेरा भक्त, बस ये देखते मेरा भक्त मुझसे कितना प्रेम करता है, मेरा भक्त मेरा कितना नाम लेता है, मेरा भक्त मेरा कितना चिंतन करता है, बस मेरे प्रभु ये देखते हैं, भगवान बोले पूरी दुनिया बदल गई, संसार बदल गया सुदामा जी महाराज, पर आप नहीं बदले, आप वहीं के वहीं हैं, और भगवान की आंखों में आंसू आ गए, नदी पार हो गई तो वहीं पर सुदामा जी को छोड़े, और प्रभु वहां से अंतर ध्यान हो गए, आइए चलते हैं भगवान सुदामा जी के साथ भजन में, ठाकुर जी के चरणों में, प्रभु के चरणों I'm
मोहिनी।